मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा जब ये हदीस पढ़ी थी, ये हदीस जो मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ, तो देर तक मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी रही थी। एक ये हदीस और एक कुरान मजीद की आयत, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। वो इतकाफ के दिन थे कि तिलावत करते करते मैं जब यहाँ पहुँचा तो इस आयत का तर्जमा यह है कि मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या कैफियत वारद हो गई, उस आयत का कोई ऐसा नूरानी अक्स पड़ा, तो मैं कुरान मजीद लेके एक एक हुजरा इतकाफ में जाता था और अजीब आंखों में आंसू और बदन पे एक राशे की सी कैफियत, और एक एक को कहता था ये तुम्हारे रब का कुरान है कि अल्लाह फरमाता है बता दो बंदों को कि मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। तो वो एक कैफियत पैदा हुई थी। बहरहाल बाद में भी बारहा उसकी तिलावत थी, उसका आज तो मिलता है, लेकिन वो एक लम्हा होता है, वो एक बिजली होती है, कूदती है और गुजर जाती है। इसी तरह ये पहली मरतबा जब ये हदीस मैंने पढ़ी थी तो उस वक्त मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हुई थी। तो आज मेरे मजमून में ये हदीस दोबारा आ गई और मैं ये बारहा अपने सामईन को सुना चुका हूँ। और ये एक ऐसी वारदात थी अचानक जो सहाबा के ऊपर हुई, उनकी कल्बी वारदात के सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। हुजूर ने पहले तो ये बात की, ऐसे सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक आए और अचानक ही आते हुए हुजूर ने फरमाया क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। हुजूर का अंदाज ऐसा था कि सीनों में दिल लरजने लगे और सबने अर्ज की हुजूर हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही काल तो हुजूर ने इरशाद फरमाया ये कुरान है, इसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। ये वो अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है और इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। देखिए ये कैसा एक तसव्वुर है इसकी मानवियत कि अचानक हुजूर ने आके कहा गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मतलब क्या जो मैं कहूंगा वो सच ही होगा जब तुम्हें ये गवाही है। तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं, क्यों नहीं हम गवाही देंगे, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो फरमाया सुनो ये कुरान जो है ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है, इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको छोड़ना ना, अगर तुम इसको मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, इस किताब को थाम लोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। गुमराही से बचने की जमानत ये किताब है, हलाकत से बचने की तदबीर ये किताब है, और अल्लाह जल्ला शानहू से बातनी रब्त का जरिया ये किताब है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने रब से कहा कि मालिक मुझे अपनी मोहब्बत अता कर, तो अल्लाह ने इतनी मोहब्बत अता की कि मुझे जवाले अकल का अंदेशा हो गया कि मोहब्बत की फरावानी से कहीं जुनून ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा मालिक मुझे अपना कुर्ब अता कर, मुझे मोहब्बत दी है तो अपना कुर्ब भी अता कर। तो आवाज आई मेरा कुर्ब चाहते हो तो कुरान पढ़ा करो। तो ये अल्लाह के कुर्ब की जमानत।